हेलो रेबिट लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपकी मादा फीमेल बच्चे देने के एक दो दिन के अंदर या तुरंत बाद, कभी कभी बहुत सारे रीजन से मर जाती है, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, या फिर आपके पास ऐसी कोई फीमेल बच्चे दे दे जो खुद से अपने बच्चों को फीडिंग ना कराए, यानी कि उनको दूध ना पिलाए, तो ऐसी कंडीशन में आप जो छोटे न्यूबॉर्न बनीज होते हैं या फिर 8 से 10 दिन के बनीज होते हैं, मतलब बात करें कि जो न्यूबॉर्न बनीज से लेके अगर आपके पास 10-12 दिन के ऐसे बच्चे हैं जिनके जिनकी माँ नहीं है, या फिर उनकी माँ अगर है और वो दूध नहीं पिलाती, तो आपको उन बच्चों को किस तरह से फीडिंग करवाना चाहिए, यानी कि हैंड उनको हैंड फीड किस तरह से करवाएं, कैसे आप अपने हाथ से दूध पिलाएं और कैसे उन बच्चों को बचाएं, तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने जो है छोटे बच्चों को अपने हाथों से जो है फीडिंग करवा सकते हैं, उनको दूध पिला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके आपको हमारे वीडियोज अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि रेबिट से रिलेटेड ऐसे हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनू और स्वागत है आप सबका उन्नति रेबिट एंड डॉग केयर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सी बार हमारे पास जो फीमेल होती है, यानी कि जो मादा रेबिट होती है, वो बच्चे देने के तुरंत बाद कई बार किसी रीजन से मर जाती है, वीकनेस होने की वजह से मर जाती है, या किसी अलग बीमारी की वजह से, या प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से बहुत सी बार मादा फीमेल बच्चे देने के तुरंत बाद या एक तो दिन के अंदर मर जाती है, और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे पास जो बच्चे बच जाते हैं, तो आप लोगों को एक दिक्कत आने लग जाती है कि उन बच्चों को किस तरह से बचाया जाए, यानी कि उनको फीडिंग किस तरह से कराया जाए, क्योंकि अगर आपके पास दूसरा कोई रेबिट भी नहीं है जो जिसने उसी टाइम बच्चे दिए हैं, तो आप उसके पास ट्रांसफर कर दें, तो यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप खुद से, यानी कि अपने हाथों से उन बच्चों को हैंड फीडिंग करवाएं और अपने हाथों से उनको दूध पिला के बचाएं। दूसरी एक और सिचुएशन आप लोगों के साथ होती है, बहुत सी बार क्या होता है कि ऐसी कोई फीमेल आपको बच्चे दे देती है जो कि अपने बच्चों को प्रॉपर केयर नहीं करती, यानी कि ना तो उनको फीडिंग करवाती है, ना ही उनके पास जाती है, यानी कि डिलीवरी के बाद वो बच्चों को बिल्कुल छोड़ देती है और एकदम से अलग हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चों को बचाने की, कि उनको किस तरह से फीडिंग करा के आप बच्चों को बचाएं, तो मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ वीडियो में, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप छोटे बच्चों को कैसे फीडिंग करवा सकते हैं और कितने दिन आपको ये प्रोसेस करना है और कौन सा मिल्क जो है आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो पहले तो आप ये जान लो कि आपको कितने दिन तक ऐसे बच्चों को फीडिंग करवाना है। तो दोस्तों, रेबिट के जो न्यूबॉर्न बनीज होते हैं वो तब से लेके और 12 से 14 दिन तक तो प्रॉपर जो है मदर मिल्क, यानी कि माँ के दूध पे ऊपर ही डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन आती है जहाँ पे उनकी माँ नहीं है या माँ अगर दूध नहीं पिला रही है, तो कम से कम 14 से 15 दिन तो आपको उन बच्चों को प्रॉपर फीडिंग करवाना है, क्योंकि 10 से 12 दिन 13 दिन में तो बच्चों की आंखें प्रॉपर खुलती है, तो तब तक तो वो किसी तरह से फीड भी नहीं खा सकते या कोई दूसरा दूध भी नहीं पी सकते, तो आपको वहाँ पे अपने हाथों से उनको फीडिंग करवानी होती है। लेकिन ऐसे बच्चों को 14-15 दिन तो आपको फीडिंग करवानी है, साथ ही आने वाले 7-8 दिन तक और हैंड फीडिंग करवानी पड़ेगी, तब जाके वो बच्चे अपने आप से जो है बाहर का खाना, यानी कि ग्रास वगैरह खाना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे वो दूध पे डिपेंडेंसी उनकी कम हो जाएगी और उसके बाद जो है आप उनको दूध पिलाना बंद कर सकते हैं। तो एक जो डाउट था वो तो आपका क्लियर हो गया कि आपको कितने दिन जो है बच्चों को फीडिंग करवानी, यानी कि बच्चों को मोस्टली न्यूबॉर्न से लेके आने वाले 18 से 20 दिन तो आपको फीडिंग करवानी करवानी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कौन सा दूध जो है उन बच्चों को पिलाना चाहिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आप तीन ऑप्शन में आपको खुले बता देता हूँ जो आप यूज कर सकते हैं। पहला, तो अगर आप रेबिट फार्म चला रहे हैं, ठीक है, और आपके पास एक से ज्यादा फीमेल रेबिट है और जिन्होंने एक ही टाइम पे बच्चे दिए हैं, और किसी फीमेल जो है बच्चे देने के बाद मर जाती है, तो उसके बच्चों को आप दूसरी किसी फीमेल के पास ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि दूसरी किसी और मादा जिसने बच्चे दिए हो उसके बच्चों के साथ आप उन बच्चों को मिक्स करके रख सकते हैं, तो वहां पे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। दूसरा, आपको क्या करना है कि अगर आप ये भी नहीं कर पाते, यानी कि आपके पास कोई फीमेल नहीं है और दूसरी मादा के पास आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आपको दूध यूज करना है। पहला, तो आपको मार्केट में, यानी कि वेटनरी मेडिकल शॉप पे जो है एक मिल्क पाउडर मिलेगा जिसे हम किटन मिल्क पाउडर बोलते हैं, जो कि मोस्टली बिल्ली के बच्चों को दूध बना के पिलाने के लिए यूज होता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, उसको लेके आ जाए और थोड़ा सा जो है ना, मतलब गुनगुने पानी में उसको बढ़िया से मिक्स करके मिला लें, और जब वो पूरी तरह से मिल जाए, यानी कि दूध जैसा हो जाए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, तो उसको फिर आपको यूज करना है। आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पिलाना है, अभी मैं बता दूं आपको कौन कौन सा दूध यूज करना है, ठीक है। तो आप किटन मिल्क का जो पाउडर आता है वो यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर चाहें तो गोट मिल्क, यानी कि बकरी का दूध भी यूज कर सकते हैं। बकरी के दूध में आप क्या करें कि थोड़ा बहुत पानी मिला लें और उस पानी को हल्का सा गुनगुना कर लें, यानी कि आपकी उंगली उसमें अगर आप रखो तो वो आपको बिल्कुल गर्म नहीं लगनी चाहिए, आप इजीली उसमें सहन कर सके। ऐसी स्थिति में जब वो आपका दूध हो तो उसको आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं। अगर ये भी आपको काउ मतलब गोट मिल्क भी नहीं, यानी बकरी का दूध नहीं मिल रहा हो, तो आप गाय का दूध भी यूज कर सकते हैं। उसमें आधे से ज़्यादा पानी मिलाना है,
ये भी आप इजीली यूज कर सकते हैं। और अगर आपको गाय का दूध भी नहीं मिल रहा और आपको मजबूरी हो कि आपको भैंस का दूध यानी कि बफेलो मिल्क ही यूज करना हो, या फिर आपका जो पैकिंग वाला दूध आता है पॉलीथीन वगैरह में जो पैक्ड आता है, या डेयरी मिल्क अगर आप लेके आ रहे हैं डेयरी वगैरह पे खुला दूध, तो कोशिश करें कि उस दूध को पहले तो अच्छे से छान लें और उसको पहले एक बार उबाल लें। एक सिंगल उबाल आने के बाद उसको बिल्कुल ठंडा कर लें, और ठंडा करने के बाद उसमें आधे से ज़्यादा पानी मिला के और तब यूज करें। यानी कि अगर आप उसमें एक चम्मच अगर दूध ले रहे तो एक चम्मच से के लगभग पानी मिलाएं और उस दूध को ऐसे छोटे बच्चों को पिलाएं। क्योंकि क्या होता है कि जो गाय का दूध होता है उसमें है ना बहुत ज़्यादा फैट की लेवल होती है, फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना जल्दी बच्चों को पचता नहीं है। और अगर हो सकता है कि आपके बच्चों को डाइजेस्ट प्रॉब्लम ना हो जाए उससे, यानी उनको प्रॉपर डाइजेस्ट ना हो, तो हो सकता है कि आपके बच्चे ये दूध देने की वजह से भी कई बार मर जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितने दिन दूध पिलाना है, यानी कि 1 से 20 दिन तक दूध पिलाना है, उसके बाद वो फीडिंग मतलब ग्रास वगैरह खाना शुरू कर देंगे। दूसरा, आपको कौन सा दूध यूज करना है, तो आपको कीटन पाउडर जो मिलता है आपको मार्केट में वो यूज कर सकते हैं, बकरी का दूध यूज कर सकते हैं, गाय का यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आप डेयरी मिल्क या पैकिंग वाला दूध या फिर भैंस का दूध भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। अब बात करते हैं कि आपको ये यूज कैसे करना है, मतलब पिलाना किस तरह से। तो आपको क्या करना है मोस्टली कि दो तरीके हैं, या तो आप एक बिल्कुल बारीक वाला सिरिंज ले लें, ठीक है, जो आपको हम जो इंजेक्शन वगैरह लगाने में यूज करते हैं, इसका आके का जो मुंह है बिल्कुल बारीक आता है, आप उसमें भर के और धीरे 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 आप जो है अपने बच्चों को ऐसे पिला सकते हैं। जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटे बच्चे को जो है किस तरह से जो है हम सिरिंज से फीडिंग करवा रहे हैं, तो इस तरह से भी आप जो है अपने छोटे बच्चों को फीडिंग करवा सकते हैं, उनको दूध पिला सकते हैं। ये भी एक आसान तरीका है जिससे आप 1 से लेकर 18 से 20 दिन के बच्चों को आसानी से मिल्क फीडिंग करवा सकते हैं। जैसे आपके बच्चे की आंखें खुल जाती है और 12-15 दिन का हो जाता है, तो वो इजीली सिरिंज से दूध पीने लग जाता है। और उसके लिए चाहें तो आप एक ड्रॉपर आता है वो ड्रॉपर भी यूज कर सकते हैं, यानी कि उसको दबाने के बाद इजीली उसमें से दूध निकलने लग जाता है और बच्चों के मुंह में जाने लग जाता है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं ड्रॉपर भी। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आपको ये सिरिंज से पिलाना नहीं आता तो आप क्या करें कि हम लोग जो एक ईयरबड होता है जिसको कि हम कानों की सफाई के लिए यूज करते हैं, मार्केट में आपको मिल जाता है, ठीक है, तो वो ले लें, या एक ऐसे टाइट सी स्टिक ले लें, मतलब एक पतला जो है आप लकड़ी का टुकड़ा ले, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, और उसके आगे के मुँह पर आप रुई यानी कि कॉटन जो आता है वाइट वाला कॉटन, उसको अच्छे तरह से लपेट लें, यानी कि उसको एक अच्छा वाला रुई उसके ऊपर लपेट ले, ईयरबड आप यूज करें, दोनों में से जो भी आपको मिल जाती है वो यूज करें। उसको क्या करें कि आप दूध में डुबो लें, ठीक है, जैसे वो दूध में आप उसको डुबोएंगे उसके अंदर कॉटन के अंदर दूध आ जाएगा, और उसको आप जो है बच्चे के मुंह पे लगा के और उसको मुंह पे लगाएंगे तो बच्चा आपका जो है उसको शक करने लग जाएगा, दूध पीने की कोशिश करेगा, पीने लग जाएगा। तो इस तरह से आप अपने छोटे बच्चों को जो है दूध पिला सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एक अगर बिना माँ के बच्चों को किस तरह से आपको बचा सकते हैं, उनको दूध पिला सकते हैं, और अपने हाथों से आप ऐसे बच्चों को जिनकी माँ दूध नहीं पिला उनको कैसे फीडिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने इस वीडियो में जाना कि आप जो है मतलब कितने दिन तक आपको दूध पिलाना है, और कौन कौन सा आप जो है दूध यूज कर सकते हैं, और किस तरह से आपको पिलाना है, यानी कि जो है प्रॉपर प्रोसेस क्या है बच्चों को दूध पिलाने का। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि एक छोटे बच्चे जिनकी की माँ नहीं होती, जिनकी माँ मर जाती है किसी रीजन से, या फिर ऐसी छोटे बच्चे जिनकी मदर उनको खुद से फीडिंग नहीं करवाती, तो उनको आप अपने हाथों से हैंड फीडिंग कैसे करा सकते हैं और छोटे बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम भी हमारे फार्म में यही प्रोसेस फॉलो करते थे बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन होता था कि मेरे पास बहुत सारी फीमेल होती थी जो उसी टाइम पे बच्चे देती थी, तो मैं बच्चों को क्या करता था जिनकी माँ ऐसे हो जाता था तो एक एक दो दो बच्चे मैं किसी दूसरी फीमेल के पास ट्रांसफर कर देता था और हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती थी। बट बहुत सी बार अगर ऐसा ऑप्शन नहीं होता तो यही वाला प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करिए, अपने बच्चों को आप इस तरह से दूध पिला के उनको बचा सकते हैं। आई होप कि वीडियो क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको प्रोसेस करना है ये। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि ऐसे रैबिट से हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई इन्फॉर्मेशन एक नई वीडियो के साथ। तो सपोर्ट करने के लिए आप सभी बहुत लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।